दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सोलन के एपिसोड 217 के प्रयोग पर, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो शुरू होती है, हम सबसे पहले देखते हैं आयन का रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका होता है। वो अपनी ह्यूमन बॉडी में वापस आ चुकी होती है। वो आते ही फैमिली को गले लगाते हैं और उनसे कहते हैं हम लोग आखिरकार दोबारा से एक हो गए हैं। इसके बाद आयन तांग हाओ और तांग सन से प्रॉमिस करती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है, एंजल टेम्पल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कियान दोलो कियान रिक्सू से कहता है इंसान की ख्वाहिश कभी भी खत्म नहीं होती है और बुराई कभी भी अंत नहीं होता है। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कियान रिक्सू 8 एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ हम देखते हैं कियान रिक्सू एक सिटी में जा रही होती है और इसी बीच में बुली इसे देख लेता है और फिर उसे प्लड करने लगता है और उसकी ब्यूटी को देखकर उसे कहता है कि हसीना क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी। ये कहकर बुली उसे रेड रोज देखकर उसे पटाने की कोशिश करने लगता है। शुरू शुरू में कियान रिक्सू उसे इग्नोर करते हैं पर जब बुली उसे ज्यादा परेशान करने लगता है तो कियान रिक्सू उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाकर उसे डरा देती है। तो ये देखकर बुली पूरी तरह से डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। उसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें हाउटन ट्राइब को दिखाया जाता है जहाँ पे तांग सन फैमिली को लेकर सेक्ट की तरफ आ चुका होता है। लेकिन हाउटन ट्राइब के 5 एल्डर अपने डिसेबल के साथ तांग सन को उनकी फैमिली को अंदर आने से रोक रही होती है। सीन चेंज होता है, हमें 7th एल्डर को दिखाया जाता है। वो तांग हाउ से कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारे सेक्ट इतनी दूर पिछड़ गया है और उसके साथ ही इसके बावजूद भी तुम हमारे सेक्ट में आकर हमसे नजरें मिला रहे हो। तांग हाउ तुम मेरी बेटी की मौत के कारण हो, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे का जान गई, इसलिए मैं तुमसे मौत का बदला लेना चाहती हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि तांग सन 7th एल्डर को चैलेंज करता है और उसके साथ ही तांग सन अपने सारे सोल्डर को बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर सारे एल्डर और सारे डिसेबल का हालत खराब हो चुका होता है। हम देखते हैं कि 7th एल्डर तांग सन से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे बदतमीजी करते हो। एक कहकर वो अपने सारे सोल्डर को बाहर निकाल लेता है। दोस्तों हमारे ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नदर वीडियो में।